बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, आई एम अर्शद हुसैन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। आफ्टर दैट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। थोड़ा सा गुज़श्त से व्यवस्था होंगी। एज वी डिस्कस अर्लियर, एडजेक्टिव आर बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब नाउन, to qualify noun. Their main role is to describe the characteristics of noun. They are describer of noun. ये noun को describe करने वाले हैं, noun को ये जो है qualify करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, noun को describe करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज जिन adjectives को हम discuss करने जा रहे हैं वो है less and fewer। Dear students, याद रखेंगे लेस को जो हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी के लिए, साइज में आ जाती है। इसके अलावा जो फ्यूअर है इसको हम यूज करते हैं नंबर के लिए। जब हम तादाद बताएंगे, जैसे कि हमने तीन एडजेक्टिव का पहले पढ़े थे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बस इसे जो फ्यूअर है बेसिकली ये भी एक एडजेक्टिव है। इस ये भी जैसे फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू को हमने इस्तेमाल किया था काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, काउंटेबल नाउन को बयान करने के लिए, इसी तरह बेटा जो फ्यूअर है वी आल्सो यूज इट टू डिस्क्राइब नंबर्स। इसमें हम तादाद को बयान करते हैं, जबकि लेस के अंदर हमने क्वांटिटी को जो है डिस्क्राइब करना होता है। इसकी आप में एक एग्जांपल होगा, वी बॉट लेस शुगर देन फ्लोर। वी बॉट लेस शुगर देन फ्लोर। हमने आटे के मुकाबले में कम जो है वो आटा चीनी खरीदी। अब यहां पर आपको ऑप्शन फ्यूअर का भी दे सकता है, लेकिन लेस शुगर, जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज की कि बेसिकली द बेसिक पर्पज ऑफ लेस इज टू डिस्क्राइब क्वांटिटी और साइज। इसका बेसिक जो वर्क होता है वो क्वांटिटी या साइज को डिस्क्राइब करना होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लेस, वो नाउन शुगर है, और हमें ये भी है कि शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन। एज शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए फीमेल का इस्तेमाल करने के लिए गलत होगा। यहाँ पर लेस का इस्तेमाल दुरुस्त होगा और फीमेल का इस्तेमाल गलत होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिस्क्राइब नंबर्स एंड नंबर सॉरी वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज डिस्क्राइब विद लेस देन दैट और देन एक्सेप्ट सॉरी हियर वी यूज लेस टू डिस्क्राइब अनकाउंटेबल नाउन एंड वी आर नॉट अलाउड टू यूज फ्यूअर विद अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यूअर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है, मैं आपको फ्यूअर का मिसाल दूंगा, वी हैव लेस फ्यूअर फ्रेंड्स। अब ये स्टूडेंट फिर यहां पर जैसे मैंने अर्ज की कि हमने लेस को यूज किया था टू डिस्क्राइब क्वांटिटी, टू डिस्क्राइब अनकाउंटेबल नाउन, सो शुगर के साथ हमने लेस लगाया। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम जो ये देखते हैं, ये सेंटेंस है वी हैव लेस फ्यूअर फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो चॉइस है वो चॉइस बेस कर रही है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर। हम ये देखते हैं कि फ्रेंड है, फ्रेंड है बेसिकली इट्स काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ हम लेस का इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा और फ्यूअर का इस्तेमाल ठीक होगा। वी हैव फ्यूअर फ्रेंड्स, हमारे बहुत कम दोस्त हैं। फ्रेंड्स हमारे पास काउंटेबल नाउन है, सो काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यूअर इस्तेमाल करेंगे। शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने लेस को यूज करना है। उसके बाद है
ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल, ओल्डर इज यूज फॉर पर्सन एनिमल्स बर्ड्स एज वेल एज थिंग्स। ओल्डर को जो इससे हम कहते हैं कि ओल्डर के मतलब वो बड़ा बड़ा अपने एक कंपैरेटिव हुआ, कंपैरेटिव सेंस में ओल्डर से मुराद हुआ ज्यादा बड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ओल्डर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सन के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ और थिंग्स के साथ। मिसाल के तौर पर The sun is older than that of Earth. Sun is older than that of the Earth. अब हमने बेजान चीज के लिए ओल्डर का इस्तेमाल किया। The sun is older than that of Earth. अब बेसिकली अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने पहले डिस्कस की थी कि हम जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन, व्हेन वी कंपेयर टू प्लेसेस, व्हेन वी कंपेयर टू थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। जब हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं, दो जो है पर्सन को, प्लेसेस को, थिंग्स को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को, जब हम दो को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हम सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसमें सिर्फ काम दूसरा दर्जा इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे हमारे पास नाउन है सन, सूर्य है, और दूसरा नाउन हमारे पास अर्थ है। तो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर बेसिकली कंपेयरिंग टू नाउन्स, एज वी आर कंपेयरिंग टू नाउन, सो हियर वी विल यूज सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सिर्फ का बेटा हम यहाँ पर जो दूसरा दर्जा इस्तेमाल करें। उसके बाद है बेटा एल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल है लाहौर इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। लाहौर पंजाब का सबसे बेसिक वही बात आ गई, लाहौर इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। डियर स्टूडेंट, हमने जैसे पहले अभी डिस्कस किया था कि जब हमने जस्ट एक नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, टू डिस्क्राइब नाउन वी यूज पॉजिटिव नेगेटिव एडजेक्टिव। When we are comparing two persons, two places, two things, two ideas, two concepts, जब हम दो को compare करते हैं, then we use second degree of adjective. When we compare one thing with more than two things, one person with more than two persons, one place with more than two places, one theory, one concept with more than two theories or concepts, then we use superlative degree of adjective. फिर हम इसके सिर्फ का सबसे बड़ा दर्जा use करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं लाहौर में। Here the Lahore is going to be compared with all the cities of Punjab. हम लाहौर के एक पंजाब के तरफ एक लाहौर को बेसिकली हम कंपेयर करने जा रहे हैं पंजाब के तमाम शहरों के साथ, क्योंकि हम एक लाहौर को पंजाब के तमाम शहरों से कंपेयर करने जा रहे हैं। इट मीन हम यहाँ पर यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पर इसमें सिर्फ का तीसरा दर्जा इस्तेमाल होगा। और हमें ये भी इल्म है कि इसमें सिर्फ तीसरे दर्जे से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल भी दा भी प्लेस करते हैं। तो लाहौर इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर एक लाहौर को हम कंपेयर कर रहे हैं पंजाब के तमाम शहरों के साथ, तो एक बढ़ती दी गई या एक हमने कंपेयर किया पंजाब के तमाम शहरों के साथ, दैट इज वाई
here we have no superlative degree of adjective. इसमें सिर्फ का सबसे बड़ा दर्जा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया. उसके बाद है dear students, जी स्टूडेंट याद रखें एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल होगा फॉर फैमिली, फॉर रिलेशंस, फॉर रिलेटिव्स. हम कहते हैं जब कोई शख्स, जिसे हम साधारण ज़बान में कहते हैं रिश्ते में अगर बड़ा है, बड़े वाले मेरे ये बड़े भाई हैं, बड़ी जो है ना सिस्टर हैं, बड़ी बाजी हैं, अगर रिश्ते में कोई बड़ा है ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे बड़ा होगा एल्डेस्ट. ठीक है, सबसे बड़ा नहीं होगा, एक एक दूसरे से बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा है. तो जब हम लोगों को कंपेयर करते हैं तो फिर हम एल्डर का इस्तेमाल जो है ना एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. कैसे मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ, अली इज माय एल्डर ब्रदर. अली इज माय एल्डर ब्रदर. अली जो है फिर यहाँ पर डेस्टमेंट फिर बात फिर वही आ जाती है. यहाँ पर भी जो है ना अगर हम देखें एल्डर एल्डेस्ट की अगर इसको हम कंपैरेटिव सेंस में देखते हैं तो अभी का अपना मुकाबला एक बड़े भाई के एक भाई के साथ है. अली इज माय एल्डर ब्रदर, अली मेरा बड़ा भाई है. अब यहाँ पर तो आपको थोड़ा जो कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर आपको ऑर्डर दे देना चीज प्रॉब्लमेटिक होगी आपके लिए, वो जी होगी वो कहेगा अली इज माय एल्डर, एक ऑप्शन आपको ये उसे देता है ओल्डर. तो हम इसको यूं तो कह सकते हैं जस्ट उम्र में बड़ा है उसके लिए तो ओल्डर कुछ लिहाज से चीज हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर एक्चुअली रिलेशन आ रहा है ब्रदर का, भाई का रिलेशन आ रहा है, तो भाई के रिलेशन में ओल्डर का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स गलत होगा, क्योंकि ओल्डर के मानी इस सेंस में हो सकते हैं कि उम्र बड़ा. लेकिन जब स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट जब कोई शख्स रिलेशन में, रिश्तेदारी में, फैमिली मेंबर में बड़ा होगा उसके लिए डियर स्टूडेंट एल्डर इस्तेमाल करेंगे. जब हम बेसिकली दो को कंपेयर करें, दो को डिस्क्राइब करें, अली एक उसका भाई है ठीक है, तो जब एक का हम एक से कंपेरिजन करते हैं तो बेसिकली ये कंपेरिटिव ऑब्जेक्टिव हुई, तो हम एल्डर इस्तेमाल करें उसके लिए ओल्डर का इस्तेमाल गलत होगा, क्योंकि ओल्डर का मानी होगा उम्र में बड़ा और एल्डर का मतलब होगा रिश्ते में बड़ा, फैमिली मेंबर में दो में से ही मतलब बड़ा इसका इस्तेमाल होगा. उसके बाद एड्रेस का इस्तेमाल, इज दिस योर एड्रेस सिस्टर, इज दिस योर एड्रेस सिस्टर, क्या ये आपकी सबसे बड़ी बहन है. अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स जो चीज आपने प्रॉब्लमेटिक को कर सकते हैं वो देना है ओल्डेस्ट. आपने ओल्डेस्ट को मीट करना है और एल्डेस्ट को चूज करना है. यहां पर ओल्डेस्ट से मुराद उम्र में सबसे बड़ा है, यहां पर क्योंकि रिलेशन का जिक्र है, सिस्टर का जिक्र है, फैमिली का जिक्र है, इट मीन हम यहां पर एल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये लेटर और लेटेस्ट का इस्तेमाल है. लेटर के मानी होता है बिफोर, पहले
लेटर के बेसिकली LATER, इसमें थोड़ा सा मायने में से डिफरेंस है बेटा, LATER और LATEST आर यूज्ड इन रिलेशन टू टाइम। किस चीज को बेटा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इससे इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं LATER को, और LATER को हम जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे इन रिलेशन टू पोजिशन। तो अगर LATER है इसके मानी होंगे बिफोर, ठीक है, और इसको हमने इस्तेमाल करने में रिलेशन टू टाइम, इसको टाइम के रिलेशन से हमने बयान करना है, जबकि जो इसके बाद आएगा LATER उसको बयान विद रिलेशन टू पोजिशन। अब उसको पोजिशन के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए देखिए वी रीच देयर बिफोर लेटर, सॉरी we reach there later than our friends. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर ना एक शख्स का देर से आने का जिक्र है, सो हम यहां पर लेटर यूज कर रहे हैं विद रिलेशन टू टाइम। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, we reach there later than our friends, हम अपने दोस्तों के मुकाबले में जल्दी आए। तो जल्दी आना बेटा बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, टाइम उस पोजीशन क्यों नहीं करना, हम जल्दी आए देर आए, एक्चुअली वी आर हियर डिस्क्राइबिंग इन रिलेशन टू टाइम। हम यहां पर इस चीज को विद रिलेशन टाइम याद कर रहे हैं कि वी रीच देयर, हम वहां अपने दोस्तों से पहले पहुंचे, तो पहले पहुंचना वे ये इंडिकेट कर रहा है रिलेशन टू टाइम को। तो यहां पर एक बार पास हो गया LATER और LATER को डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन टू टाइम, ठीक है। तो चूंकि आप इसको डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन टू टाइम, और इस हमारे सेंटेंस के अंदर भी टाइम का जिक्र है, यानी जल्दी आने का जिक्र है, बिफोर आने बिफोर का जिक्र है, इसीलिए यहां पर LATER का इस्तेमाल बेहतर होगा, दुरुस्त होगा। और LATER जो कि पोजीशन को इंडिकेट करता है, दैट इज व्हाई LATER का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। अच्छा लेटेस्ट की मालूम होता है डी थ्री, करंट हालिया। आई हैव लिसेंड Thank you.
देखिए फार्मर को हम उर्दू में कहते हैं अव्वल ज़िक्र, जिसका पहले जिक्र किया जाए। लेटर कहते हैं मुअख्खर ज़िक्र, जिसका जिक्र बाद में किया जाए। डेढ़ शोर सभी मैं आपको बता रहा था इसी थोड़ी देर पहले, एल ए टी आर और एल ए डबल टी ई आर इस्तेमाल मैंने बताया था कि एल ए टी ई आर को हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिलेशन टू टाइम, और एल ए डबल टी ई आर को हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिलेशन टू पोजिशन। एल ए डबल टी ई आर को पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एल ए टी ई आर को डिस्क्राइब करने विद रिलेशन टू टाइम, इसको हम वक्त को बयान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फॉर्मर के माने होते हैं अब वो जिक्र, जिसका पहले जिक्र किया जाए। मैं मिसाल दूंगा, लंदन एंड पेरिस, लंदन और पेरिस आर आइडियली सिचुएटेड सिटीज, आइडियली सिचुएटेड सिटीज हैं द फॉर्मर इज सिचुएटेड और बीइंग और टेन जिसका पहले जिक्र किया जाए, जिसका बाद जिक्र किया जाए, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिलेशन टू पोजीशन। इसको बयान करेंगे विद रिलेशन टू पोजीशन। पोजीशन को डिस्क्राइब, जैसे मैंने आपसे पहले ऐसे ना एलईडी आपको डिस्क्राइब किया था, इस्तेमाल किया था नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए विद रिलेशन टू टाइम। अब हम इसको लेटर को और फॉर्मर को इस्तेमाल करेंगे विद रिलेशन टू पोजीशन, पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, पोजीशन को रिलेट करने के लिए। अब देखिए मिसाल है लंदन एंड पेरिस, लंदन और पेरिस आर आइडियली सिचुएटेड सिटीज, बेहतरीन मकामात पर कायम किए गए शहर हैं। द फॉर्मर अव्वल ज़िक्र, अब देखिए अब ये देखते हैं कि वहां पर दो सिटीज थे, एक लंदन था दूसरा पेरिस था, इसमें अव्वल ज़िक्र पहले जिक्र किसका हुआ? लंदन का। The farmer is situated. अब वो जिक्र जो शहर है वो आबाद है और टेम रिवर, दैट टेम मुराद लंदन का जो शहर है वो दैट टेम के किनारे पर मौजूद है, बाकी है। द लेटर मुअख्खर जिक्र, जिसका बाद जिक्र किया गया है, उसका इस सिचुएटेड ऑन द सीन्स रिवर, ये फ्रांस का रिवर सीन्स रिवर में जो है ना वो बाकी है। अब यहाँ पर हम ये नोट करें बेटा कि एक शहर दूसरी जगह पर पोजिशन को इंडिकेट कर रहा है, लंदन को इंडिकेट कर रहा है रिवर की पोजिशन को, और पेरिस भी अपनी पोजिशन को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है सीएस दरिया के साथ, सीएस रिवर के साथ। सो हियर एक्चुअली वी आर डिस्क्राइबिंग नाउन विद रिलेशन टू पोजिशन, हम नाउन को नाउन की पोजिशन को इन एडजेक्टिव के साथ डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो लंदन का लंदन फार्मर हमने इस्तेमाल किया लंदन के लिए, और लेटर हमने इस्तेमाल किया पेरिस के लिए। तो फार्मर और लेटर इन दोनों को हमने बेसिकली इस्तेमाल किया विद रिलेशन टू पोजिशन, पोजिशन को रिलेट करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया।
देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट इज यूज कब इस्तेमाल करते हैं इन रिलेशन टू डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को एक्चुअली मेंशन करने चाह रहे होते हैं, डिस्टेंस को बयान कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम नियरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वी विजिटेड द नियरेस्ट केमिस्ट, नियरेस्ट नेक्स्ट केमिस्ट शॉप। देखिए वी विजिटेड, हमने विजिट किया द नियरेस्ट इन द नेक्स्ट केमिस्ट शॉप, नेक्स्ट के अंदर केमिस्ट शॉप का विजिट हमने किया। अब एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि वी कवर्ड एक्चुअली सम डिस्टेंस, हमने कुछ डिस्टेंस किया, हमने कुछ सफर किया और कुछ सफर करने के बाद हमें मकाम पर पहुंचे। जैसे वी विजिटेड मतलब हम गए, इट मीन वी हमने सफर तय किया है, हमने ट्रैवल किया है। जो कि हमने ट्रैवल किया है, हम खुद गए हैं, तो हमने नियरेस्ट को इस्तेमाल किया रिलेशन टू डिस्टेंस, इसको हमने इस्तेमाल किया जो है ना डिस्टेंस को बयान करने के लिए। अच्छा, ही He ordered the next student in row. उसने कतार में दूसरे जो है ना वो ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, जब बुलाया हम कह सकते हैं। He ordered, उसने हुक्म दिया the next student को दे रो कतार में खड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शख्स अपनी पोजीशन पर खड़ा है, ठीक है, दूसरा बंदा दूसरी पोजीशन पर खड़ा है। फर्ज करते हैं पहली पोजीशन वाले इंटरव्यू दे दी है, अब दूसरी पोजीशन वाले को जो इंटरव्यू जो है ना वो कॉल कर रहा है, बुला रहा है, ठीक है। तो हमने इस नेक्स्ट को इस्तेमाल किया बयान करने के लिए पोजीशन ऑफ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की पोजीशन को बयान करने के लिए। जब हम पोजीशन बयान करेंगे हम नेक्स्ट यूज करेंगे, डियर स्टूडेंट जब हम डिस्टेंस या फासले को इस्तेमाल करेंगे तो हम नियरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट ये चंद एक जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव थे उनको हमने डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा ये बता दो कि यहाँ पर नियरेस्ट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। मजीद जो है ना करेक्शन के हवाले से जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको मजीद डिस्कस करेंगे, उसमें आपके एडजेक्टिव शामिल है, एडवर्ब्स शामिल है और कुछ मिसलिनियस किस्म के जो है ना एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें भी मुझे इसको लेगा अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तआला आपका आमीन। अस्सलाम वालेकुम।